हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है चिरंजीत, आप लोग देख रहे हैं एडिटर से। एडिटर से में आपका स्वागत है। मैं आज कोई फोटो एडिटिंग नहीं सिखाने वाला हूँ। मैं आज आप लोग सीखूंगा सिग्नेचर फोटोग्राफी लोगो किस तरह अपनी मोबाइल की मदद से डिज़ाइन कर सकते हो। तो इस कमाल के वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। वीडियो पसंद है तो वीडियो कर देगा लाइक। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं ऐसे एडिटिंग के रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों के लिए देता रहता हूँ। जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर फॉलो नहीं किया वो भी कर ले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, मैं यहाँ पे फाइनल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो पहले जो चीज़ आपको करना है, पहले सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है। एक एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले उसका नाम है पिक्सल एब। आप स्क्रीन पर टेक्स्ट को देख सकते हो। यहाँ पे जस्ट आपको टाइप करना है जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। यहाँ पे पिक्सल लैब आपको लिख लेना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का जो है लोगो है आप देख सकते हो। तो इसको पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे टैप करके आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर आ सकते हो। उसके बाद जस्ट आपको और जो है फ्रंट को डाउनलोड कर लेना है मेरे डिस्क्रिप्शन से। फ्रंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है। सबसे पहले मैं डिफॉल्ट जो है कर लेता हूँ। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, उसके बाद जस्ट आपको लिखना है। तो जैसे कि मेरा नाम है चिरंजीत, तो मैं इसको चिरंजीत लिख लेता हूँ। चिरंजीत लिखने के बाद यहाँ पे डन कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल है। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट वाला ऑप्शन पे जाना है और इस फ्रंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपली आपका अगर फ़ोन में एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है तो ठीक है, वरना और एक एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ एप्लीकेशन को। ये देख सकते हो, ये जो है एप्लीकेशन है ZHUI, ये एप्लीकेशन का नाम है। तो मैं प्ले स्टोर पर सर्च करके दिखा देता हूँ ZHUI। तो ये एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है आपके फ़ोन में अगर ऑप्शन नहीं है। जैसे कि मेरा फ़ोन में ऑप्शन नहीं है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो सिंपली मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा। जहाँ पर भी आपने डाउनलोड किया है वहाँ पर ओपन कर लेना है। उसके बाद मैं डाउनलोड वाले फोल्डर को जाऊँगा यहाँ पे, और मैंने जैसे कि यहाँ पे इस वाले फ्रंट को डाउनलोड किया है, तो मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट को ऊपर क्लिक करूँगा। तो ये फ्रंट जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाले फ्रंट को भी सेम स्टेप करेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे होम करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे पिक्सल एब एप्लीकेशन को। उसके बाद यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे क्लिक करना है ए के ऊपर। राइट स्वाइप करके यहाँ पे फ्रंट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद माय फ्रंट, यहाँ पे आपको पहले ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा जो फ्रंट है ऐड है, इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर से भी कर सकते हो या यहाँ से कर सकते हो। तो मैं डाउनलोड फोल्डर पे चला गया हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर फ्रंट स्टेपन टाइप लोगो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे और इसको यहाँ पे टैप करके इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट जो है आ चुका है। उसके बाद मैं बहुत सारे फ्रंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी उस तरह ऐड कर लेना है। उसके बाद सारी फ्रंट यहाँ पे शो हो जाएगा कुछ इस टाइप से। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट जो है काफ़ी अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक टेक्स्ट और लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फोटोग्राफी। आप वीडियोग्राफी भी लिख सकते हो, तो मैं इसको फोटोग्राफी लिख लेता हूँ। इसको आप नॉर्मली भी रह दे सकते हो। उसके बाद मैं इसका फ्रंट चेंज करना चाहूँगा, तो इसलिए फ्रंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक फ्रंट जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये फ्रंट। उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर लूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारी फ्रंट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद डाउनलोड कीजिए। उसके बाद इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए बैकग्राउंड जो है दिख रहा है, इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर देंगे, ये फ़ोटो जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेव इमेज करेंगे। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, इसका जो क्वालिटी है डिफ़ॉल्ट है, इसको मैं अल्ट्रा पे कर लूँगा।
उसके बाद सेव टू ग्लैरी करेंगे तो क्या ये फोटो जो है HD क्वालिटी में सेव होगा। उसके बाद एप्लीकेशन से आप एडिटिंग करते हो, लाइटरूम एप्लीकेशन से अगर करते हो तो मैं यहाँ से सेट करके दिखा देता हूँ। तो लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद मैं इस फोटो पे क्लिक करूँगा, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से जाऊँगा सेटिंग वाले ऑप्शन पे, यानी कस्टमाइज पे, और यहाँ से ऐड कर सकते हो इस वाले ऑप्शन से। मेरा ऑलरेडी ऐड है तो यहाँ पे नहीं करूँगा, आप अगर पिक्सार्ट से करना चाहते हो तो पिक्सार्ट से भी कर सकते हो। मैं पिक्सार्ट को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद थोड़ा वगैरह ऐड आता है, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक फ़ोटो को ओपन कर लेंगे जिस फोटो के ऊपर आप लगाना चाहते हो ये लोगो। तो मैं यहाँ पे सिंपली ऊपर ले चलूँगा, मैं कोई सा भी एक फ़ोटो को ले लेता हूँ यहाँ से। जैसा कि मेरा ये फ़ोटो है तो मैं यहाँ पे तो थोड़ा वगैरह ऐड आ रहा है ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे कट कर लूँगा। ये स्क्रीनशॉट है मेरा फेसबुक का, तो यहाँ पर भी लगा के दिखा देता हूँ। ऐड फोटो में क्लिक करेंगे और यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, दिखाई नहीं देगा ट्रांसपेरेंट है इसलिए ऐड फोटो कर लेंगे यहाँ से। जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो इसको वहाँ पर रख सकते हो कुछ इस टाइप से। उसके बाद यहाँ से डन करके आप इस इमेज को सेव कर सकते हो, और जो कैमरा का PNG है उसको भी आप ऐड कर सकते हो वहाँ पर। तो मैं फिर से जाकर दिखा देता हूँ, यहाँ से पिक्सल ऐप को ओपन कर लिया है। उसके बाद जो कैमरा का PNG है तो मैं इसको पहले कलरफुल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा इनपुट वाला ऑप्शन पे, उसके बाद ये कैमरा वाले PNG को ऐड कर लेंगे, डन करेंगे। उसके बाद मैं कुछ इस टाइप से छोटा करके बिठा लूँगा यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़ोटो। उसके बाद सिंपली वही स्टेप ट्रांसपेरेंट करेंगे इस बैकग्राउंड को, यहाँ से इस इमेज को सेव कर लेंगे।